गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जुले एवरीवन। तो आज है 14th अक्टूबर या ना, हाँ अक्टूबर, और मंडे है आज। तो नोनी का स्कूल है, मैं नोनी के लिए लगी हूँ नाश्ता बनाने। तो पिछले कल का जो मेरा ब्लॉग था नहीं आ पाया, थोड़ी सी तबीयत ठीक जैसी भी नहीं थी, और मार्केट तो गई थी लेकिन ब्लॉग में बना ही नहीं पाई थी कुछ भी, क्योंकि ठीक से बोलने का मन नहीं चाह रहा था, तो ब्लॉग भी नहीं बन रहा था ठीक से। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज जो है ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ सुबह सुबह ही, और दिखाती हूँ आप लोगों को नाश्ता। तो चलिए, नोनी का नाश्ता रेडी कर रही थी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बनाने लगी हूँ मैं नाश्ते में। फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी, क्योंकि नोनी को कल भिंडी बनी थी ना, तो मेरे को रात को मैंने पनीर लाया तो उसने देख लिया, तो मेरे को पूछ रहा था सुबह नाश्ते में क्या बनाऊंगी, तो मैं समझ गई थी उसको पनीर खाना है। उसने तबीयत ख़राब थी मेरी, बोला नहीं उसने मुझे कि मेरे को पनीर खाना है या पनीर बनाना कुछ भी। तो फिर मैंने क्या किया, पनीर की भुर्जी उसके लिए बना दी है, और ये मैंने तो पराठा बनाती उसके लिए, लेकिन दिन में हम कोई भी नहीं होंगे ना घर पर, तो मैंने कहा फिर रोटियाँ बना के रख दूँगी तो पनीर और रोटी खा लेगा वो दिन में। तो जब रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो चलिए फ्रिज खोलते हैं, आटा निकालते हैं। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट जो कि मैंने इस पर डाल दिया, फ्रिज मैग्नेट पे रख दिया इस तरह से। तो इस तरह के अगर आप फ्रिज मैग्नेट लेते हैं ना, तो जैसे ये मेरा फ्रिज मैग्नेट है जिसमें आप पानी रख सकते हैं अंदर, इसमें तो इसमें आप इस तरह से प्लांट्स उगा सकते हैं। तो ये मेरा मनी प्लांट इसमें उग रहा है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स नाश्ता मेरा बन चुका है, रूम में पहुंच चुका है, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और ये थी, इन्होंने ब्लैक पेपर लेके आए थे कल, तो हमारे पास जो क्रशर था ना वो ख़राब हो गया। मैं क्या करती हूँ ग्राइंडर में इसको क्रश करके रख देती हूँ एक साथ सारा। तो इसको मैंने क्या किया, तवा गर्म था तो गर्म तवे पर फैला के रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक मैं नाश्ता करके आऊँगी तब तक इसके जो मॉइस्चर निकल जाएगा गर्म तवे पर, और इसको फिर हम दर दरा सा पीस के रख देंगे। तो ये लोग अंडे वंडे के साथ ना काली मिर्च खाते ही हैं, और काली मिर्च सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं अदरक काली मिर्च, पता नहीं मैं कैसी जैसी इंसान हूँ, तो मुझे अदरक वाली चाय भी अच्छी नहीं लगती। मैं पी तो लेती हूँ लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, और ना ही मुझे काली मिर्च पसंद आती है किसी भी चीज़ में। तो ये हमारा काली मिर्च, तो चले चलते हैं नाश्ता करने। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नाश्ता, भिंडी की सब्ज़ी, पनीर की भुर्जी, चाय, चटनी, और ये डोबुदा का नाश्ता, और ये है लोबुदा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग खुश रहे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बोलो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए, थैंक यू। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, खाने का एक भी मन नहीं कर रहा मेरा। तो फ्रेंड्स, मैं उतर रही हूँ आवागढ़ वाली साइड से नीचे को, घर से निकलते हुए वीडियो नहीं बनाया, 10:30 एक्चुअली बज चुके थे, मैं लेट हो चुकी थी, मुझे आज जल्दी जाना था क्योंकि पति देव आज दुकान नहीं गए, कहीं और चले गए हैं। तो मैं उतर रही हूँ इस समय, और मौसम ना ठंडा है बहुत ज़्यादा, घर के अंदर पता नहीं चल रहा था, जैसे गेट के बाहर पैर रखा तब पता चला कि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आज सुबह से देखिए धूप नहीं लगी है बिल्कुल, वो वाला मौसम हो रहा है, बादल बादल सा मौसम। तो ये है आज का मौसम, और ये है आवागढ़ की चढ़ाई उतराई वाली रोड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद जाके पंत पार्क में या स्टेट बैंक वाली रोड पे मिलेंगे, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10:45 स्टेट बैंक का नज़ारा कुछ इस तरह का है, स्टेट बैंक वाली रोड का एक्चुअली। तो ये है स्टेट बैंक वाली रोड, यहाँ पे सामने में है स्टेट बैंक, और ये है स्टेट बैंक वाली रोड। तो चलिए हम लोग उतरते हैं यहाँ से नीचे को, नगर पालिका के सामने वाली साइड को, और यहीं से पंत पार्क से होते हुए हम चलेंगे दुकान की तरफ। तो चलिए, ओह गिरने लग जाती हूँ सीढ़ियों से, और मेला ना पूरा उठ चुका है, और कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है वहाँ पे, कूड़ों के ढेर नज़र आ रहे हैं, साथ में सफाई भी होती जा रही है। तो देखिए सामने मेला ग्राउंड, कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, जगह जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो मेला पूरा साफ, झूला भी उतर चुका है, तो सारा मेला हट चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो 10:47 इस समय हो रहे हैं, और मैं जा रही दुकान की तरफ। तो मैं पंच पार्क में पहुंच चुकी हूँ, तो आज मंडे है, कल संडे तक जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी, और आज मंडे को जो है काफ़ी हल्के से लोग दिख रहे हैं, बहुत कम से, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है, आज दिन भर भीड़ भाड़ रहती है या नहीं रहती है, तो ये सब जानने के लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और मौसम मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत अजीब सा, मतलब ठंडा सा मौसम हो गया है। अब यहाँ जैसे पहुँचे तो हल्की धूप सी लग रही है, वरना तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बादल था सुबह से। तो चलिए हम चलते हैं आगे को, और आगे को डस्टबिन से इतनी सारी गंदगी फैली हुई, मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है यहाँ पे पंत पार्क में। तो चलिए कैमरा टर्न करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह का यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डस्टबिन से ना इतना सारा गंदा सा पानी निकल के आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। अच्छी यार, गलती रास्ते में आ गई मैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकल के जाएँ, डस्टबिन से निकल रहा है, पता नहीं कहीं से पानी लीक हो रहा है, यहाँ पे पाइप लीक कर रहा है कोई शायद। जी ओहो हो, पाइप फट गया है कोई पीछे में, तो पाइप लीक कर रहा है, मुझे लगा डस्टबिन से आ रहा है गंदा पानी। तो देखिए यहाँ पे, तो ये पंत पार्क का नज़ारा कुछ इस तरह का इस समय, मतलब हल्के से लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही, खाली पंत पार्क है सुबह के 10:45 के समय में, बिल्कुल खाली खाली से। तो ये है आज का मंडे, और 14 अक्टूबर
खाली खाली से नैनीताल। कल तक जो इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, सैटरडे संडे तो मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, लेकिन आज जो है बिल्कुल ही कम भीड़ भाड़ है। और मैं आप लोगों को मेला ग्राउंड एक बार दिखाती हूँ, जब मेला सब खत्म हो जाता है ना उसके बाद जो यहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खतरनाक ही हो जाता है फिर उसके बाद का दृश्य। तो ये देखिए अंदर आप, ये है मेला ग्राउंड जहाँ से कि दुकानें सब हट चुकी है और कूड़े से पटा हुआ, साथ साथ सफाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है, साफ सफाई हो ही रही है साथ में, मगर बहुत बुरा हाल हो जाता है फिर मेले के बाद ग्राउंड का। तो देखिए हर तरफ आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आने वाला है सब तरफ ही, देखिए। तो ये है मेला ग्राउंड और मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल घुप अंधेरा सा, अंधेरा अंधेरा सा मौसम हो चुका है। तो चलिए मैं दुकान के लिए लेट हो चुकी हूँ, तो फटाफट से बढ़ते हैं दुकान की तरफ और दुकान पे जाके फिर मिलेंगे कुछ देर बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 11:30 और आप देख सकते हैं धूप लग चुकी है। जब मैं आ रही थी ना तो बहुत घनघोर काला सा मौसम था, लग रहा था बारिश पड़ ही जाएगी, लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए मौसम खुल चुका है, बट इस साइड को तो बादल अभी भी लगे हुए ही हैं, मगर जो है धूप आ चुकी है बढ़िया सी। तो चले आज भी बारिश होने के कोई चांसेस अब नहीं लग रहे हैं, मगर सुबह काफ़ी ठंड थी, लग रहा था बारिश हो ही जाएगी। मैं एक्चुअली अंदर से निकली बाहर क्योंकि मैंने जलाई थी धूप, और धूप के धुएं को भगाने के लिए मैंने जलाया था पंखा, तो धूप पंखा ना चलाओ तो धूप गले में लग रहा था, पंखा चलाओ तो हवा सर में लग रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा निकलाई थी बाहर को, तो फिर मैंने सोचा अगर बाहर निकल ही आई हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर ही लेती हूँ इसी बहाने। तो मार्केट अभी बिल्कुल सुनसान है, सुनी सुनी मार्केट है इस समय, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लोग नहीं दिख रहे हैं अभी, खाली एकदम 11:30 बजे का मौसम सुबह का। और ये हमारी जैकेट से सबसे आगे जो लगी है वाइल्ड क्राफ्ट वाली 1800 की है, उसके पीछे जो लगी है 2000 की, उसके पीछे जो लगी है 1500 की है, और ये जो गैप वाले लगे हुए ये 1200 की रेंज में है, तो इस तरह के लगे हैं। और ये जो शर्ट्स लगी हुई है सब 1400 की रेंज में, वार्म शर्ट्स है सबके सब 1400 की रेंज में है, और इसके पीछे में 1200 की रेंज में, जो ये ब्लू के पीछे लगे हुए सब 1200 की रेंज में है। और ये है लेडीज़ कोट्स 2300 की रेंज में, और यहाँ पर जो फ्रंट में लगा हुआ ये वाइट जैकेट ये 1500 का है, उसके पीछे जो लगे हुए सारी वो है क्या कहते हैं इनको विंचिटर्स हैं जो कि हैं 1200 की रेंज में, और ये है 1200 या 1300 की रेंज में इस तरह के ये वाले फरी वाले से जैकेट्स। और ये है किड्स में 1000 की रेंज में, ये आपको 24 से 28 तक का जो साइज 1000 की रेंज में, 30-36 साइज जो है 1100 की रेंज में मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक हमारी दुकान का जो सामान है, और ये यहाँ ये लगे हुए हैं ये खाली अपर्स है गर्ल्स के क्रॉप अपर्स, ये है 1200 की रेंज में। और ये वाइट वाला जो है इस तरह के कोट्स है ये 1500 की रेंज में है, इसमें फर वाले भी हैं इस टाइप के, तो 1500 की रेंज में है ये वाले कोट्स, स्वेटर कम कोट्स हैं, ये तो गर्ल्स के ही हैं सबके सब। ये है लेडीज़ कोट्स 25 से स्टार्टिंग रेंज है और 3000 तक की रेंज में ये सब। और ये है फ्रेंड्स यहाँ पे लगे हुए जो आगे लगे हुए पतले स्वेटशर्ट्स, अंदर से बहुत सॉफ्ट है इसका भी मटेरियल, 1200-1300 की रेंज में। तो यहाँ पे जो लगे हुए जैकेट्स ये 1200 से लेकर 1700-2000 तक की रेंज के जैकेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और सामने तो कोट्स ही लगे हुए हैं बस ये सब। तो इस तरह का कुछ सामान है, और यहाँ पे है खूबसूरत से कार्डिगन्स, और ये देखिए यहाँ पे जेंट्स स्वेटर्स है ये 1300-1400-1500 तक की रेंज में। ये लेडीज़ स्वेटर्स हैं यहाँ पे, मतलब ये स्टार्टिंग आपका 850-900 से स्टार्ट होके जो शॉर्ट कार्डिगन है 1500 तक है, लॉन्ग के 1700-1800 तक के रेंज में है ये लॉन्ग स्वेटर्स है। तो ये हमारे दुकान का सारा सामान ऑलमोस्ट मैंने दिखाई दिया है, मतलब बारीकी से नहीं दिखाया बट सारा दिख ही गया है फिर भी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर कुछ देर में, और जो हमारी धूप बत्ती है वो बंद हो चुकी है, मैं पंखा बंद करके आराम से अंदर बैठ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं दिन के 2:15, और मैंने भेजा उसको भी खाना खाने के लिए, क्या नाम है दीपक को, दीपक गया है खाना खाने के लिए। तो इस समय मार्केट में कुछ इस तरह का चल रहा है माहौल, तो मैंने उसको भेजा गब्बर भाई के यहाँ, छोले भटूरे या कढ़ी चावल या राजमा चावल सब कुछ ही मिल जाता है उनके यहाँ पे, तो मैंने कहा वहीं से खा के आ जा। तो उस तरफ को गया, पता नहीं कितनी देर में आएगा, फिर मेरे को ना मैं कोई है नहीं दुकान पे, अकेली हूँ मैं, अगर एकदम से भीड़ भाड़ हो जाती है। तो फिर मैंने अनमोल को बोला तो अगर उसका लड़का, अनमोल का भी लड़का भी कहीं गया हुआ है काम से, तो मैंने उसको बोला जब तुम्हारा लड़का आ जाएगा तो तुम मेरी तरफ आ जाना, तो अनमोल गया था लड़का आएगा तो फिर वो आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए। तो उस समय तो मौसम ना आज ऐसी रहा है धूप छाँव टाइप का, तो ठंड सी हो गई है, मतलब मैंने मोटे सा टी शर्ट पहनी हुई, एक स्वेटशर्ट टाइप की टी शर्ट पहन रखी, तो ठंड लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है उसमें, तो इस तरह का हो रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा इस बलून के पीछे, उसको ऐसे डरा रहे हैं ये लोग, बेचारा डर के अपने पापा को ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया है, तो खिलौने की तरफ खड़ा ही हुआ था कि उतने जोर से उसको सामने से मतलब डराया उन्होंने, तो जाके वहाँ खड़ा हो गया फिर। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। तो आज का दिन मेरा बस इस तरह का ही रहा है दुकान की तरफ में, तो सामने से पत्रकार बंधु लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत से।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो बज चुके हैं शाम के 7:30 और पहाड़ों में लाइट जल चुकी है, तो ऐसा लग रहा है तारे ज़मीन पे आ गए हैं, देखिए ऊपर लाइटों को देख के। और इस समय जो है मार्केट का हाल कुछ इस तरह का है, तो हल्के फुल्के से कस्टमर्स है अभी। तो पतिदेव हमारे आ चुके थे तो मैं थोड़ा सा आई थी बाहर को क्योंकि सेटिंग चल रही। हाँ जी बताइए। अभी इनसे जैकेट लेके गए थे। अच्छा, मेरी बेटी का बॉटल छूटा था। बॉटल तो यहाँ कोई नहीं छूटा मैडम। अच्छा, ये पानी का क्या? नहीं, येलो ऑरेंज कलर का था। येलो ऑरेंज कलर का बॉटल तो नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई बॉटल नहीं छूटा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब क्या बताया ना, हापति देव आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ना ये पाइप गिर गया था, तो इसको लगाने के लिए इन्होंने सारा सामान हटा दिया था, तो मैं आ गई थी फिर बाहर को क्योंकि वहाँ पे सारे सामान का चट्टा लग गया था, मेरे को ना सफोकेशन होने लगी थी भीड़ अंदर, मतलब घुटन। उसके बाद मैं बाहर को आ गई थी, फिर मैं लगी थी वीडियो शूट करने। तो चलिए मैं थोड़ा सा सामान जो उलट पलट हुआ मैंने इसको सही करके लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया, तो मेरे को अभी एक कॉल भी आया था सब्सक्राइबर का, तो उनको उनके पास मेरा नंबर मतलब उन्होंने मांगा था तो मैंने दे दिया था। तो वो कह रही थी कि आज आपका व्लॉग नहीं आया, तो तबीयत के बारे में भी पूछ रही थी, तो अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपको इतना कंसर्न है मेरी तबीयत को लेकर। तो आज मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कुछ देर में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मुझे मिला है करवा चौथ गिफ्ट, हालांकि करवा चौथ है 5 दिन के बाद, लेकिन गिफ्ट मुझे मिल चुका है अभी ही। तो ये आज हल्द्वानी गए तो मेरे को नया फ़ोन लेके आए हुए, देखिए 7:17 से समय हो रहे हैं। तो ये iPhone 15 ये मुझे लेके आए हैं, तो इस सेम दागर के लिए भी लिया और सेम उन्होंने मेरे लिए भी ले लिया। दागर के पास शायद पिंक कलर है, रेड कलर लिया दागर ने, तो हल्द्वानी में इसका कलर था नहीं, ब्लू और ब्लैक ही था, तो इन्होंने मेरे को लाया है ब्लू कलर। तो ये है मेरा नया फ़ोन। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो रात के ना 8 बज चुके हैं, तो मैं और भाभी निकल पड़े घर की तरफ को। तो आज भाभी जल्दी जा रही, कल तो मैं अकेली चली गई थी क्योंकि भाभी बहुत लेट आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जल्दी चली गई थी। देखो यहाँ दोनों बड़े मस्त होकर जा रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं वीडियो बनाते जा रही थी, देखो हम यहाँ पे मिल गए हैं सेलिब्रिटीज हमारे नैनीताल के, रोहित वर्मा एंड नासिर भाई। तो दोनों नहीं, दोनों ही यार मुख्य कलाकार। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों की रामला संपन्न हुई है, तो सही में इतने दिनों बाद मिल रहे हो, रामला का समापन किया है, तो आज जाके हमें फुर्सत मिली है। तो अब हम सोचा थोड़ा मंदिर दर्शन करके और घर घूम के आते हैं। सही बात है, घूमना स्टार्ट हो गया, मतलब अब हमारा टोपी और वगैरह से देख सकते हो कि हल्की हल्का गुलाबी ठंड आने लगा, गुलाबी ठंड आप देख सकते हो। नासिर भाई को देखे तो लगा बर्फ गिर रही है, ठंड होने लगी है शाम को। यदि आपके कोई सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो फिलहाल हल्के फुल्के गर्म कपड़े तो जरूर लाएं, और बहुत बढ़िया मौसम इस समय नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी हरियाली हो रही है। अगर यदि आप इस समय आएंगे तो झील की सुंदरता और उसकी खूबसूरती बहुत देखने लायक बन रही है जी, तो कृपया इस मौसम में जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित जी आप कुछ कहेंगे? नासिर भाई सब कह चुके हैं, सब कह देते हैं, सब कह देते हैं, जो नहीं कह रही वो भी कह रही जो नहीं कहा, तो ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वहाँ से फुटपाथ वाली मार्केट के बाद मैंने स्टार्ट किया सीधा यहाँ पे शूट करना बड़ा बाज़ार में। तो हम पहुँच चुके हैं बड़ा बाज़ार, तो चले ये है बड़ा बाज़ार का नज़ारा शाम के 8:15। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे जाके सीधे घर पर ही, ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, इसके बाद घर पे जाके ही मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग के साथ, बस कुछ मिनट्स और। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे घर पे और उन्होंने मेरे फ़ोन की सेटिंग कर रहा था, मगर इसने फेंक दिया यहाँ पे, कह रहे यार लो अपनी एप्पल आईडी बनाओ, ये मेरा फ़ोन कितना वो कर रही हो, देखिए एप्पल दिखा रही तो मेरा फ़ोन है, उन्होंने इसकी सेटिंग भी कर रहा था और इसने बोला कि बनाना है आईडी इसमें। मैं पता नहीं आज क्या कर रहा है, किसके पास जाऊँगी फिर मैं इसको बनवाने के लिए, कौन बना के देगा? क्यों, तू क्यों नहीं बनाएगा? तू क्यों नहीं बनाएगा? नहीं बन रही हुई हो क्यों? नहीं, एप्पल आईडी आपका पासवर्ड भी चेंज कर दिया, वो इनकरेक्ट ही बता रहा। किस चीज़? अच्छा, पासवर्ड तो चेंज नहीं किया होगा, क्या था पासवर्ड? मैंने अभी तब भी नहीं बता रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसमें सेटिंग करने के लिए मुझे किसी से करवाना पड़ेगा, तब मैं विशाल से करवाती हूँ। तो चले आज का जो ब्लॉग इसको यहीं पर करते हैं, एंड ऊपर देख दो लड़के यहाँ देखना, आज के ब्लॉग को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। देखना इस बंद कर, इसको तो मुझे कॉपीराइट लगवा के छोड़ेगा। कल को फिर मिलेंगे, मेरे देखे डबल चिन आया हुआ ये वाला छोटू सा। कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पता नहीं कैसा बना हुआ, तो मेरा नया फ़ोन है, मेरे को गिफ्ट मिला हुआ नया फ़ोन छोटा सा, तो उन्होंने कह रहा हैंडी होता है, छोटा होना चाहिए आपके हाथ में, ऐसे वैसे तैसा लाना फलाना डिमकाना, तो चलिए जो भी है ठीक है।